हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पहाड़ी राही। तो ये मैं हूँ अभी बिनसर अल्मोड़ा में। तो मैंने यहाँ पे एक होम स्टे बुक किया है। तो ये है मेरा होम स्टे। तो यहीं पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऊपर बैठ है वहाँ पे। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है होम स्टे जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। तो इसका नाम है अस्तित्व होम स्टे। ये बिनसर में है, देखिए ये है, मैं इसमें रुका हूँ। यहाँ पे कोई और रुका हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ नीचे नौला, वहाँ पे नौला है। यहाँ पे वो सामने है मैन दा मतलब इस होम स्टे के ओनर। तो अभी एक नौला है नीचे, वहाँ पे हम जा रहे हैं नौले को साफ करने, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेस हैं वाटर के, उसको बचाने के लिए। तो अभी हम मैन दा से बात करते हैं, नौला क्या होता है, कैसे होता है। मयंकदा नमस्कार, ये है हमारे मयंकदा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मयंकदा कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ ले जा रहे हैं आप? आज हम नौले की सफाई के लिए जाएंगे। अच्छा, नौला क्या होता है मयंकदा बताइए। नौला नेचुरल स्प्रिंग है जो यहाँ पे, जो बेसिकली जो वाटर है अर्थ वाटर, वही नौला हुआ। तो आज उसकी सफाई करेंगे। काफी यहाँ आप देख रहे हैं आग आग बहुत लग गई है, तो नौले का पानी डाउन हो गया है। अच्छा, तो अभी सफाई करके थोड़ा उसको चार्ज करेंगे। तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बस, चलो आप, मैं ले चलता हूँ आपको। तो वो कंटिन्यू आता क्या पानी? वो हाँ, कंटिन्यू सालों से आ रहा है, करीब 200-300 सालों से आ रहा है, जब से यहाँ पे पूर्वज लोग आए। अच्छा, तब अच्छा। से आ रहा है पानी। चलिए आपको ले चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलिए। तो मैं जा रहा हूँ अभी मयंकदा के साथ। मयंकदा, अगर आपको होम स्टे बुक करना है तो मैं जो नीचे नंबर आ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट करते डायरेक्ट मयंकदा से बुक कर सकते हैं। ये होम स्टे है, लोकेशन आपको दिखाता हूँ मैं, क्या लोकेशन है। जंगल के बीच में और इतनी शांति है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये है, जो वर्क फ्रॉम होम है, मतलब जिनका वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है अभी भी कोविड के बाद से या फिर उससे पहले से, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। खुद आओ यहाँ पे रहो, वाईफाई फाइबर लगा हुआ है, बहुत अच्छा, स्पीड अच्छी दे रही है। मैं खुद कर रहा हूँ काम, तो मतलब उसमें वाईफाई इंटरनेट की कोई दिक्कत नहीं है कि आपको। तो अभी ले चलते, देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे। काफल के पेड़ भी, ये काफल का पेड़ है, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहें तो ये काफल एक फ्रूट होता है, ये काफल का पेड़ है। मैं तो कितना नीचे वार अच्छा ये नौला। अरे वाह यार, वाह वाह, ये देखिए। ये अभी गर्मियों के कारण ना यहाँ पे थोड़ा पानी कम है, नहीं तो अगर अभी बरसात स्टार्ट, जैसे अभी थोड़ी थोड़ी बरसात स्टार्ट हो गई है, तो वैसे पानी बढ़ते रहेगा और ये साल भर पानी रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जंगली मुर्गियाँ आती हैं पानी पीने के लिए, लोमड़ी हो गई, फॉक्स। तो यहाँ पे थोड़ा पानी हम अभी साफ कर रहे हैं ताकि इसको दोबारा रीयूज कर सके, और पानी यहीं से पियेंगे हम। क्या लोकेशन है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब 100 मीटर या 150 मीटर होगा कॉटेज से। तो इसको कैसे साफ करना है, तो क्या काई हाई निकालनी होगी क्या? हाँ, पहले इसके ना ऊपर जाएंगे हम अंदर। हाँ, ये ऊपर ऊपर का निकालेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे साफ सफाई पेड़ वेड़ काट देंगे। हाँ हाँ, फिर इसके बाद नीचे की ओर को बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा, फिर नीचे के काम करेंगे। ओके ओके, ठीक ठीक। अभी खोलूं के जूते? हाँ जूते खोलो, नहीं आप जूते मत खोलो, मैं अंदर की तरफ करूंगा ना। हाँ हाँ, आप ये ऊपर ऊपर क्यों कर देने, झाड़ी हड़ी काटने का जुगाड़ करना पड़ेगा पहले। अच्छा, तो आप ये होमस्टे कब से चला रहे हो? होमस्टे 2019 से। 19 से, कोविड से पहले से ही? कोविड से पहले से, कोविड के बाद स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, तो आपका एक बार एड्रेस और नंबर बता दीजिए, मैं डाल भी दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में। हाँ, ताकि अगर कोई कसार देवी से 4 किलोमीटर आगे आएंगे, 3-4 किलोमीटर आगे दीनापानी इंटर कॉलेज है, तो उसके वहाँ पे जैसे आप पहुँच जाएंगे तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, तो मैं आ जाऊँगा फिर आपको लेने। बाकी अगर आप गाड़ी ट्रेन से आ रहे हैं तो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है, और
उसके बाद आप बस ले सकते हैं जो 2500 रुपये लेते हैं यहाँ तक। शेयर टैक्सी आपको 500 से 700 रुपये लेगी यहाँ तक छोड़ने के। 2500 क्या बस लेती है? 2500 कार, छोटी कार। अच्छा अच्छा, मतलब बुकिंग के लिए? हाँ बुकिंग के लिए। सीधा यहीं पहुँचा देगी? हाँ सीधा 2500 में यहाँ पहुँचा देगी। काठगोदाम हल्द्वानी से? काठगोदाम हल्द्वानी से। और अगर जो कोई फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है पंतनगर। ठीक ठीक, नंबर बता दीजिए आपका। नंबर है 9456502738। ओके ओके ठीक है, अभी थोड़ी सफाई करते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको नौला। पूरा पानी निकाल के पाई भाई टाइप कर दिए। ये पुराने जमाने का बनाया हुआ है क्या पूरे पत्थर जो आपके सर के ऊपर है? हाँ ये सब पुराने जमाने का है। यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से रखा है यार। यहाँ सीढ़ियाँ भी है जो झाड़ी मिट्टी से छुप गई यहाँ से रास्ता को पुराने जमाने में। बरसात में तो फिर यहाँ से पानी निकलता होगा ना? हाँ बरसात में पूरा भर जाता है। ओवरफ्लो होता होगा? ओवरफ्लो। रेता निकल रहा है। तो नौला देखो एकदम साफ हो गया है। ये अभी कल दोबारा से पानी भर जाएगा और फिर पीने लायक। यहाँ काई वाई जमी थी तो वो साफ पूरी साफ कर दी है। ऊपर यहाँ पेड़ वेड़ झाड़ी वाड़ी थी थोड़ी बहुत साफ कर दी यहाँ पे ताकि पत्ते दोबारा ना जाए अंदर। सो कल से जो हम पानी पियेंगे यहाँ आएंगे भरने के लिए तो यहीं से पानी भर के ले जाएंगे फिर पियेंगे। और दा कुछ बोलना आपको? नहीं बस कुछ नहीं, धन्यवाद। ठीक है फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको होम स्टे बुक करना है तो इनका नंबर पहले से दे रखा है, उनसे कांटेक्ट कीजिए महिंदा से। चलें फिर। ओके बाय 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 बाय।